सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमों ने बुधवार को ऊना में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक अशोक पुरी और शाखा के प्रबंधक कमल भोगल के घर पर एक रियल एस्टेट डेवलपर के लिए 4,646 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए छापा मारा। मानदंडों के उल्लंघन में ऊना एडिशनल SP विजिलेंस सागर चंदर के नेतृत्व में टीमों ने बैंक अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा। सूत्रों ने बताया कि सतर्कता दलों ने आरोपी अधिकारियों के आवास से कुछ दस्तावेज बरामद किए। आरोपी बैंक अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और रियल एस्टेट डेवलपर इंदु बाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। DR ठाकुर विशेष न्यायाधीश ऊना के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। विशेष न्यायाधीश ने एक शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। KCCB का ऊना प्रबंधन पहले ही संदेह के घेरे में था। बैंक के पूर्व MD PC अकेला ने 62.72 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण और CCL से क्रेस्ट स्टील्स ऊना पर सवालिया निशान खड़े किए थे। सरकार द्वारा दिए गए एक जांच में सतर्कता ने बैंक के विभिन्न अधिकारियों को दोषी ठहराया था और उन पर विभिन्न ऋणों को मंजूरी देने में गलत काम करने का आरोप लगाया था, जिससे बाद में बैंक को नुकसान हुआ था। राज्य सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाए गए बुरे ऋणों की जाँच पर बैठी थी। धर्मशाला सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जनवरी में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। सूत्रों ने कहा कि सतर्कता जांच ने बैंक प्रबंधकों, KCCB की पिछली बोर्ड की ऋण मंजूरी समिति के सदस्यों और आपराधिक साजिश रचने वाले जोखिमपूर्ण ऋणों के लिए मूल्यांकन कर्ताओं को प्रेरित किया था, जिससे बैंक को नुकसान हुआ था। ऊना से हिमाचल क्राइम न्यूज की रिपोर्ट।